बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खैर एकेडमी के फोरम से बात कर रही हूँ। माय नेम इज़ लायबा आबिद। टुडे वी डिस्कस हेयर द चैप्टर नंबर 12 ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, विच नेम इज़ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था कैनिज़ोरोस रिएक्शन। आज जो हम बेसिकली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन वो वाले रिएक्शन होते हैं जो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब आइडोफॉर्म टेस्ट जो है बेसिकली क्यों परफॉर्म किया जाता है? आइडोफॉर्म टेस्ट वो वाला टेस्ट होता है जो एक की क्लास के डिफरेंट मेंबर्स को जो है डिफरेंशिएट करने के लिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है। वो वाले मेंबर्स जो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देते हैं, वो हमारे पास एसिटिल्डिहाइड है, मिथाइल कीटोन है, एथनल है और सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल वो वाला अल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो। ऐसे अल्कोहल्स को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। अब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, लेकिन एल्डिहाइड का जो मेंबर एसिटिल्डिहाइड है वो भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कीटोन का जो मेंबर मिथाइल कीटोन है वो भी हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन इसके बाकी रिमेनिंग जितने भी मेंबर इस क्लास के वो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। यही वजह है कि मिथाइल कीटोन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो मिथाइल कीटोन और इथाइल कीटोन के दरमियान डिफ्रेंशिएशन करने के लिए जो है वो परफॉर्म किया जाता है। है आई राइट द जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में देखें आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। मैंने एक जनरल फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट किया है। थ्री मोलिक्यूल ऑफ हैलोजन एटम, लाइक हैलोजन के मुकाबले में एक्स रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्लोरीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट है तो एक्स के रिप्लेसमेंट में हम क्या लगाएंगे? आयोडीन लगाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ द फोर मोलिक्यूल ऑफ एन ओ एच, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। वन मोलिक्यूल जो है वो हमारे पास क्या होगा जनरल इक्वेशन का? उसके अलावा तीन मोलिक्यूल हम हैलोजन ग्रुप के ले रहे हैं, फोर मोलिक्यूल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले रहे हैं। यहाँ से सी एच ग्रुप खाली यहाँ से निकलेगा, इस हैलोजन के एक्स थ्री के साथ अटैच करके हमें क्या दे देगा? सी एच एक्स थ्री, विच इज़ कॉल्ड द हैलोफॉर्म। इसको हम हैलोफॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे हैलोफॉर्म इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हैलोजन ग्रुप अटैच है। हैलोजन कुछ भी हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, तो इस वजह से हमने एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करा है जनरल इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये अटैक करेगा इस सोडियम ऑक्साइड के साथ। ये पूरा ग्रुप इस सोडियम ऑक्साइड के साथ अटैक करके सोडियम का बेसिकली क्या बना देगा? एसिटेट बना देगा। रिमेनिंग हमारे पास थ्री ऑक्सीजन पेंडिंग है, यहाँ से हमारे पास थ्री हैलोजन ग्रुप जो है वो पेंडिंग है, यहाँ से टू हाइड्रोजन जो है वो पेंडिंग है। ये थ्री हमारे पास हैलोजन जो है वो थ्री सोडियम के साथ रिएक्ट करके हमें थ्री एनएक्स दे देंगे, सोडियम का हैलाइड दे देंगे। रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास फोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और टू हाइड्रोजन, ये फोर और टू सिक्स, लाइक थ्री टू ज़ा सिक्स। और ऑक्सीजन हमारे पास वन ऑक्सीजन यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, रिमेनिंग थ्री ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, तो हमारे पास थ्री ही सोडियम हैलाइड बनेंगे और थ्री वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हमारे पास जो है आइडोफॉर्म टेस्ट है, रिएक्शन विद एसिटिल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन। लाइक आइडोफॉर्म का टेस्ट है एसिटिल्डिहाइड के साथ और मिथाइल कीटोन के साथ। एसिटिल्डिहाइड का पहले मैं रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बिल्कुल जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है यहाँ पे आर था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एच लग जाएगा। लाइक आर की जगह अगर एच लग जाएगा दिस इज कॉल्ड द एसिटिल्डिहाइड, अगर एच की जगह सी एच थ्री आ जाएगा तो दे आर कॉल्ड द मिथाइल कीटोन। यहाँ से बिल्कुल वैसे ही होगा, यहाँ से जो है सी एच ग्रुप जो है इस हैलोजन के साथ थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सी एच आई थ्री। थ्री मोलिक्यूल जो है सोडियम के इस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम का आयोडाइड बना देंगे। रिमेनिंग ये वाला जो पूरा पार्ट है ये सोडियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम का एसिटेट बना देगा और थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वैसे बनेंगे। अगर आप देखें ये वाला और ये वाला रिएक्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? जहाँ पर एक्स है वहाँ पर आयोडीन आ गया और जहाँ पे आर है वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन है मिथाइल कीटोन का आयोडीन के साथ। यहाँ पे मिथाइल कीटोन जो है लाइक हाइड्रोजन जो था अगर इसकी जगह हम सी एच थ्री लगा जाए दे कॉल द मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन तीन थ्री मॉलिक्यूल्स जो है आयोडीन के ही ले लेंगे हम, फोर मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के ले रहे हैं। इससे रिस्पेक्टिव जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं बिल्कुल सेम है जैसे एसिटिल्डिहाइड में बने थे सी एच आई थ्री। यहाँ पे लाइक सोडियम का एसिटेट बन जाएगा, सोडियम का आयोडाइड बनेगा और थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद एथनल। एथनल के साथ एथनल का फॉर्मूला हमारे C2H5OH, इसके साथ हमारे पास आयोडीन का नंबर भी चेंज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर भी जो है वो चेंज हो रहा है। आयोडीन जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं फोर हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हमारे पास सिक्स हैं। यहाँ से एक लाइक दो कार्बन और फाइव हाइड्रोजन है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन थ्री मोलिकूल्स ऑफ आयोडीन के साथ मिलकर हमें क्या दे रहा है? सी एच आई थ्री। यहाँ से सिर्फ अगेन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जो है और इस ऑक्सीजन के साथ मिलके और इस एन ए ओ के साथ मिलके हमें क्या दे देगा? ए सी डबल बॉन्ड ओ एन ए।
वन सोडियम मॉलिक्यूल जो है वो यूटिलाइज हो गए, रिमेनिंग हमारे पास फाइव पेंडिंग है। फाइव सोडियम मॉलिक्यूल जो हैं ये आयोडीन के साथ मिलकर हमें क्या दे देंगे, फाइव सोडियम का आयोडाइड। अभी बैलेंस कैसे करेंगे, थ्री मॉलिक्यूल आयोडीन के ये हैं, फाइव के हैं फाइव और थ्री एट, फोर टू ज़ा एट, आयोडीन भी बैलेंस। सोडियम चेक करें, यहाँ पे सोडियम वन है, यहाँ पे फाइव है, फाइव और वन सिक्स, सोडियम भी बैलेंस। अब हमने देखना है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से जो रिमेनिंग हाइड्रोजन है ये एच फाइव के साथ, ये वाला हाइड्रोजन, इसके ये रिमेनिंग थ्री हाइड्रोजन, थ्री और वन फोर, और रिमेनिंग ये सिक्स सिक्स, लाइक टेन बन गए, टेन हाइड्रोजन, फाइव टू ज़ा टेन, लाइक हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ एक जो है वो सोडियम का जो है वो इसके एसीटेट बनाया, मेटोलाइज हुआ था, फाइव पेंडिंग है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में आएंगे। अब हमारे पास जो इक्वेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो दोनों तरफ बैलेंस है, इट्स मीन हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया वो हमारे पास हाइड्रोफॉर्म टेस्ट था। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट जो है वो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए जो है वो अच्छा है, क्योंकि हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो प्रैक्टिस करने से आती है। आज के लिए सिर्फ हाइड्रोफॉर्म टेस्ट ही, इसको प्रैक्टिस करें और मेक श्योर कि आपको जो है ये रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।